एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज के वीडियो में हम देखेंगे तीन नाइट सीरम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइट सीरम होता क्या है और हमें उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दोस्तों, नाइट सीरम ऐसा फेस ऑयल और ऐसा एक सीरम होता है, एक टाइप का लिक्विड होता है जो कहीं सारे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ होता है, जो आपके चेहरे को हाइड्रेटेड रखने के लिए, साथ ही साथ ऑयल कंट्रोल करने के लिए और चेहरे को एजिंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है। मार्केट में कई तरीके के नाइट सीरम्स अवेलेबल हैं, पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं होम रेमेडीज ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं ऑर्गेनिक चीज़ों में ज़्यादा मानती हूँ, तो मैंने आज बनाए हैं तीन अलग अलग तरीके के नाइट सीरम्स जो कि आपके घर पर अवेलेबल ऑयल्स से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नाइट सीरम के साथ। फर्स्ट नाइट सीरम बनाने के लिए यहाँ हमें लगेंगे दो इंग्रेडिएंट्स, एलोवेरा जेल और साथ ही में रोज वाटर। ये एलोवेरा जेल में हल्दी मिक्स है, तो ये हल्दी वाला एलोवेरा जेल है जिसका असर और भी अच्छा होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार के यूज के हिसाब से सीरम बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरा सीरम जो है बना हुआ पड़ा है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स की भी क्वांटिटी आप उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। तो यहाँ जो है मैं आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लूँगी, साथ ही में हम इसमें दो चम्मच रोज वाटर मिला लेंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाना है जब तक एक स्मूथ पेस्ट जैसे तैयार नहीं हो जाता। दोस्तों, हमारा फर्स्ट नाइट सीरम तैयार है और ये सीरम ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जी, हम इस अमेजिंग सीरम को अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और थोड़ी सी मसाज करते हैं। ये सीरम मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और साथ में एलोवेरा का कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप शाइन भी देख सकते हैं कि स्किन में एक नेचुरल शाइन है और इसे आपको ओवरनाइट रखना है और रोजाना यूज करना है। आपको असर इसका जरूर दिखेगा, तो जरूर ट्राई कीजिए नाइट सीरम अगर आपकी स्किन भी है मेरी स्किन की तरह ड्राई। दोस्तों, यहाँ पर जो नाइट सीरम मैंने बनाया है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा जेल और रोज वाटर का कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और साथ ही में चेहरे को काफी सूदिंग इफेक्ट देगा। कई बार ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उन्हें पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, जो रोज वाटर से कंट्रोल हो सकता है और साथ ही में एलोवेरा जेल से जो है, एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण आपके जो पिंपल्स हैं वो भी रिड्यूस होंगे और साथ ही में आपका फेस जो है एकदम स्मूथ और हाइड्रेटेड रहेगा। रोज वाटर से आपके स्किन का पीएच बैलेंस होगा और आपके स्किन को जो है एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग इफेक्ट रहेगा। इस नाइट सीरम को आपको रात में सोने से पहले लगाना है और सुबह उठकर आपको अपना चेहरा वॉश करना है। ये नाइट सीरम आप बनाकर कम से कम 20 से 30 दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज वाटर और एलोवेरा जेल को मिलाकर एक लिक्विड तैयार कर सकते हैं और उसे अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप जो है इस मिश्रण को स्टोर कर सकते हैं। ये था फर्स्ट नाइट सीरम। चलिए देखते हैं दूसरा नाइट सीरम कौन सा है। सेकेंड नाइट सीरम बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, एक चम्मच बादाम तिल,
दो विटामिन ई कैप्सूल। आप विटामिन ई ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नाइट सीरम तैयार है और ये नाइट सीरम नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आलमंड ऑयल बहुत ही ज्यादा सालों से हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आलमंड ऑयल एक बहुत ही रिच और नेचुरल ऑयल है जो आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है और आपकी स्किन को नरम बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है तो आपको आलमंड ऑयल जरूर यूज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है आपको आलमंड ऑयल से मिलेगा। अब मैंने इसमें मिलाया है विटामिन ई ऑयल। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन ई ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिससे आपके चेहरे की बहुत सारी चीजें ठीक होती है। विटामिन ई ऑयल स्पेशली एंटी एजिंग के लिए यूज किया जाता है और साथ ही में विटामिन ई ऑयल से अगर आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे हैं तो वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है काफी शाइनी और सूदिंग रहती है। तो ये जो फेस सीरम है ये मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी ड्राई स्किन के लिए, और इसके अलावा जो है नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फर्स्ट सीरम मैंने बताया है वो ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये था दोस्तों सेकेंड नाइट सीरम। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड नाइट सीरम कौन सा है। दोस्तों थर्ड नाइट सीरम बनाने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत यहाँ पर हमें है। आधा चम्मच एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा जेल हल्दी के साथ मिक्स है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आधा चम्मच, साथ ही में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ हमारा थर्ड नाइट सीरम तैयार है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस नाइट सीरम को लगाकर देखते हैं अपने चेहरे पर। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और साथ में एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। तो ये नाइट सीरम जो है सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, बट मैं ऑयली स्किन वाले लोगों को इस नाइट सीरम का जो है रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। स्पेशली ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें हमने कोकोनट और ऑलिव ऑयल मिलाया है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और साथ ही में एलोवेरा जेल भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को सूदिंग और सपल रखने में हेल्प करता है। इन तीनों ऑयल्स का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपके चेहरे पर होने वाली पिगमेंटेशन या फिर दाग धब्बे या आपके चेहरे पर अगर फाइन लाइंस आ रही हैं, आपको एजिंग हो रही है, झुर्री आ रही है, तो ये सारी तकलीफें आपकी इस नाइट सीरम से दूर हो सकती हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके चेहरे की जितनी भी अनइवननेस है उसे दूर कर देता है और आपके चेहरे को एक इवन टोन देता है। ऑलिव ऑयल अपनी सॉफ्ट प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब ऑलिव ऑयल से आपकी स्किन जो है बहुत स्मूथ होती है और स्पेशली विंटर सीजन में ऑलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छा ऑयल है अगर आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है तो। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सबसे अच्छा सीरम कौन सा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।